Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आप तमाम नाज़रीन को इस बात की इत्तला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि जमीयत अहले हदीस तांडूर वविकाराबाद की जानिब से 29 अक्टूबर 2021 बरोज जुमा बाद नमाज़े मगरिब तरात 10:30 बजे नेशनल गार्डन फंक्शन हॉल हैदराबाद रोड तांडूर में एक अज़ीम-ओ-शान जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत फ़ज़लतुश्शेख सैयद आसिफ़ उमरी हफ़िज़हुल्लाह फरमाएंगे। चूँकि औलाद के लिए माँ की गोद पहला मदरसा है, वहाँ वो जो कुछ भी सीखता है वही मरते दम तक उसके नकूश छोड़ता है। और इस्तक़बालिया कलिमात पेश करेंगे शेख उस्मान गनी मुहम्मदी हफिज़हुल्लाह अमीर जमीयते अहले हदीस तांडूर। और अज़ीम-ओ-शान जलसे आम में फ़ज़लतुश्शेख जर्जीस अंसारी हफिज़हुल्लाह मौजूदा हालात में मुस्लिम जवान लड़के और लड़कियों की तरबियत के मौजू पर किताब फरमाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर एक ईसाई मुसन्निफ लिखता है कि दुनिया में एक लम्हे के लिए भी अगर किसी का नाम नहीं रुकता हो और बराबर लिया जाता हो तो वो हस्ती सिर्फ मोहम्मद साहब की है। फजलतुश्शेख सैयद हुसैन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ख़वातीन ने शिर्किया व बिदअिया अक़ायद का इलाज पर खिताब फरमाएंगे। पहला ज़ाबिता ये है कि इबादात के साथ साथ मुआमलात के साथ साथ दावत व तबलीग के साथ साथ या उससे पहले आपको अक़ायद व ईमानियात को अहमियत देनी पड़ेगी। खवातीन के लिए पर्दे का नज्म रहेगा, जलसे आम के बाद तमाम शुरका के लिए तमाम का इंतज़ाम रहेगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इस अज़ीम-ओ-शान जलसे आम में ख़ुद भी शिरकत करें और दोस्त अहबाब को भी ज़रूर साथ लाएं और अपने ईमान को ताज़ा करें। और मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर राब्ता कायम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।